अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे 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 सजनों, बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद मलिक। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से। इन्फिनिक्स ने ऑफिशियली तौर पे स्मार्ट 8 सीरीज में ताज़ा तरीन इजाफा मीन्स के लेटेस्ट एडिशन मुतारिफ करवाया है। अभी इंतजार के साथ इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्रो हकीकी दुनिया में दाखिल हो गया है, जिसका मकसद आलमी सतह पर डेब्यू कराना है। स्मार्ट 8 और स्मार्ट 8 HD की कामयाबी की बुनियाद पर नए आने वाले ने जमालियात को जदीद खसूसियात के साथ साथ इस तरह जोड़ दिया जो बजट के हिस्से की मुकम्मल वजाहत करता है। वैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि जब से इन्फिनिक्स और टेक्नो आया है, इन्होंने अपने मद्दे मुकाबल जितने भी मतलब वीवो और ओप्पो के फोन हैं इनको पीछे छोड़ दिया। मतलब बहुत ही कम बजट में एक प्यारा सा सेट मिल जाता है जिसे आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही कम बजट में आप यूज़ मतलब इससे इंजॉय भी हो सकते हैं। आपका एंड्रॉयड फ़ोन की खास बात 90 GHz रिफ्रेश रेट और 780x1612 की HD रेजोल्यूशन के साथ साथ 6.6 इंच का 5-pole LCD है। हुड के नीचे ये मीडिया टैक हेलियो G36 CPU से चलता है जो मुख्तलिफ कामों के लिए काबिल एतमाद कारकर्दगी भी पेश करता है। सारे पिन 128 GB या 256 कन्फिग्रेशन के दरमियान इंतखाब कर सकते हैं, जो कि 4 GB या 8 GB LPDDR4X RAM के साथ जोड़ दिया गया है। इजाफी स्टोरेज की जरूरत वालों के लिए डिवाइस माइक्रो SD कार्ड स्लॉट फ्राहम करता है। 5000 mAh बैटरी से लेस स्मार्ट 8 प्रो एक ही चार्ज पर तो उसी इस्तेमाल को यकीनी बनाता है, जो USB पोर्ट के जरिए 10 वाट के चार्जिंग को सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी खसूसियात में साउंड माउंटेड फिंगर, साइड माउंटेड फिंगर प्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक शामिल है। इन्फिनिक्स जदीद तरीन स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर 13XOS UI पर चलता है। इसमें एक ऑप्टिमाइज्ड कैमरा सेटअप है जिसमें 50 MP प्राइमरी अपर्चर 1.8 में एक AI सेंसर है। सबसे ऊपर अला मियार के सेल्फीज के लिए एक 8 MP सेंसर है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्रो पर इजाफी खसूसियात में वाईफाई 802.11ac, ब्लूटूथ 5.0 और एक 3.5mm ऑडियो कनेक्टर शामिल है। अगरचे कंपनी ने कीमतों की तफसीलात का इंकशाफ नहीं किया, लेकिन यह अफवाह है कि स्मार्टफोन 8 प्रो एक बजट पर मबनी फ़ोन है। स्मार्टफोन 4 दिलकश रंगों के इख्तियार में दस्तयाब होगा, जिसकी कीमत मुमकिन तौर पर $120 और पाकिस्तान में कम से कम 33,500 से भी कम कीमत हो सकती है। उम्मीद करता हूँ ये फ़ोन आपको ज़बरदस्त, अच्छा और मुनासिब है आपके इस्तेमाल के लिए। आज की ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको लाजमी पसंद आएगी। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।